वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। स्कूल या कॉलेज शिक्षा का मंदिर होता है। यहाँ किसी धर्म या मजहब की बात नहीं की जाती, पर कर्नाटक में मामला कुछ अलग है। यहाँ कुछ लड़कियाँ बुर्का पहनकर आ गई और बदले में बच्चे भी भगवा स्कार्फ ओढ़ कर आ गए। ले देकर ये स्कूल का धार्मिक अखाड़ा ज्यादा बन चुका है। लेकिन अब हिंदू संगठन जाग उठा है और वो ऐसा काम करने जा रहा है जिसके बाद इस खास समुदाय में हड़कंप मच गया है। कर्नाटक में हिजाब पहनने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार सुबह कंडापुर के भंडारकर कॉलेज के गेट पर 40 लड़कियां हिजाब पहनकर पहुंची, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ जिले के बेंदूर कस्बे में हिंदू लड़कों को स्कूल में एंट्री से पहले जबरन भगवा शॉल पहनाई गई। मामला शासकीय प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का है, जहाँ हिंदू संगठनों ने भगवा शॉल कैंपेन शुरू कर दिया है। कुंडापुर के भंडारकर कॉलेज के इंट्रक्शन मैनुअल में ये निर्देश था कि लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति रहेगी, लेकिन उसका कलर स्कूल यूनिफॉर्म के रंग का होना चाहिए। लड़कियों को एंट्री ना मिलने के बाद करीब 40 मुस्लिम लड़के भी उनके सपोर्ट में कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करने बैठ गए। कर्नाटक के गृह मंत्री आर्या गेंद्र ने हिजाब विवाद पर कहा है कि बच्चों को स्कूल में हिजाब या भगवा शॉल पहनकर नहीं आना चाहिए। वो यहाँ भारत माता की बच्चों की तरह आए, अपने धर्म का पालन करने नहीं बल्कि समानता की शिक्षा लेने आए। वही दूसरी ओर राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागनेश ने कहा है कि वो पहले हिजाब नहीं पहनते थे, ये समस्या महज 20 दिन पहले ही शुरू हुई है। मामला जनवरी का है, जब उडुपी के एक कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राएं क्लासरूम में हिजाब पहनने पर अड़ गई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने कहा था कि छात्राएं कॉलेज कैंपस में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में इसकी इजाजत नहीं है। इसके बाद एक स्टूडेंट की मां ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का हवाला देकर इसे मौलिक अधिकार का यहां पर हनन बताते हुए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई 8 फरवरी को होनी है। उसके बाद तय हो जाएगा कि स्कूल में लड़कियां भगवा पहनेंगी या नहीं। लेकिन इस बीच हिंदू संगठन कह रहा है ये भगवा पहने या न पहने, हम यहाँ पर शॉल ओढ़ कर आएंगे। एक छोटा सा शॉल ओढ़ कर यहाँ पर भगवा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।